है शनिदेव। दोस्तों यदि आपके कुंडली में भी शनिदेव की महादशा चल रही है या साढ़े शक्ति चल रही है तो ये छोटे से उपाय आपके ऊपर चल रहे शनिदेव के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आपके आने वाली रुकावटों आपके जीवन में आने वाली रुकावटों को भी कम कर सकते हैं। तो शनिवार के दिन आप काली गाय, काले कुत्ते या फिर काली चिड़िया को खाने की चीज़ डालें, ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि ग्रह का प्रभाव कम होगा और आपके काम में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी और बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे काली बाती का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर दीप जलाएं और पीपल पर जल में यदि आप थोड़ा सा दूध और काले तिल भी मिला लें तो और भी अच्छा है, वो चढ़ाएं। साथ ही साथ काली चींटियों को गुड़ दें तो शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। खास तौर से पीपल के पत्तों पर मिठाई रखकर पितृ का ध्यान करें तो पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ शनिदेव का प्रभाव करने के लिए यदि शनिवार के दिन आप गरीबों में शनि महाराज की प्रिय वस्तु जैसे सरसों का तेल, काले जूते, काले वस्त्र, काली उड़द की दाल, तिल से बनी हुई चीज़ें और लोहे का दान भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि दान करने वाली कोई भी वस्तु खरीदकर घर न लाए बल्कि उसे बाहर के बाहर ही दान कर दें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की तो पूजा होती ही होती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन शमीम के पेड़ की भी पूजा होती है जिससे कि शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शमीम का पुष्प भगवान शिव को चढ़ाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी ग्रह दशा दूर होती है। और अब है बीज मंत्र की बारी, जो कि शनिदेव का जो बीज मंत्र है वो है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः। पीपल के नीचे जब भी आप दीपक जलाएं सरसों के तेल और काली बाती का तो यह मंत्र 108 बार पढ़ें। इससे आपके जीवन में हो रहे शनि के प्रभाव कम होंगे और आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। जय श्री शनिदेव। मंत्र, पूजा विधि और दान का सारा लेखा जोखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जय श्री शनिदेव।